जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो मतलब क्लास 12th का जो एक्सरसाइज 1.1 है चैप्टर फर्स्ट का, उसका जो क्वेश्चन नंबर 14 वो वाला देखेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन 14 में क्या बोला है, एक सवायतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, एक सौर वाह एक तल है जिसमें समस्त रेखाओं का एक समुच्चय दे के रखा है ना, बहुत सारी रेखा है जिसका एक सेट बना वाला है, और उसका संबंध क्या है L1 L2 इस प्रकार है कि L1 L2 के समांतर है, है ना। क्या बोला है L1 L2 के समांतर ये बोला, और क्या बोला है R एक तुल्यता संबंध है। इसके लिए हम लोग इसके लिए एक उदाहरण और पढ़ चुके जिसमें हम लोगों ने मतलब समांतर नहीं के लिए भी एक शायद संक्रामक को सिद्ध किया था, पर इसमें तुल्यता संबंध बोला है तो उदाहरण ही ऐसे लेना है। तो पहली चीज तो एक ही तुल्यता बोला, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लिए सेम जैसा क्वेश्चन में दिया है और जैसा हमारा फॉर्मूला बनता है, एज इट इज जैसा का वैसा उतारना है हमको। पहली कंडीशन क्या रहती है हमारे पास में स्वतुल्य के लिए, है ना, कि स्वतुल्य में क्या होता है, ठीक। तो स्वतुल्य में क्या रहेगा, स्वतुल्य में क्या होता है L1 के समांतर आ जाएगी, है ना, क्या आ जाएगा हमारे पास में L1 के समांतर। और यदि ऐसा है तब L1 बिलोंग करेगा L1 को, है ना, तो L1 को बिलोंग कौन करेगा R। तो ये क्या हो जाएगा, दिया गया संबंध हमारे पास में क्या आ जाएगा यहां से स्वतुल्य है ना, ये स्टेटमेंट बनेगा अपना यहां से, ठीक। सेम दूसरे में क्या होता है अपने पास में संक्रामक के लिए देख लेते हैं अपन, सेकंड संक्रामक में क्या होता है, ठीक। संक्रामक में क्या होता है, यदि L1 L2 के समांतर, है ना, क्या आ जाएगा L1 L2 के समांतर है तब L1 L2 को बिलोंग करेगा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा L2 L1 के समांतर है तब क्या आ जाएगा L2 L1 को बिलोंग करेगा, है ना, मतलब संबंधित होगा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, दिया गया संबंध है ना, ये हमारे पास में जो है स्वतुल्य के बाद सममित है ये वाला, है ना, क्या है हमारे पास में ये सममित है ना, क्योंकि स्वतुल्य के बाद कौन सा रहता है हमारे पास में सममित संबंध बनता है ना, संक्रामक लास्ट वाला होता है। ये क्या आ जाएगा, दिया गया संबंध हमारे पास में क्या है सममित है, ठीक। ये भी हो गया सममित के लिए। तीसरा क्या बनता है अपने पास यहां से, तीसरे का स्टेटमेंट बनेगा हमारे पास में L1 L2 के समांतर है, मतलब L1 पे डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर L1 L2 को क्या करेगा बिलोंग, L1 L2 फिर क्या आ जाएगा L2 L3 को बिलोंग करेगा, फिर क्रॉस तो L1 L3 को बिलोंग करेगा। इसमें तीनों में आपको लिखना है L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के, L1 L3 के। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, और दिया गया संबंध क्या हो जाएगा स्वतुल्य सममित, और ये आ जाएगा क्या संक्रामक, ये बनेगा अपने पास। इसमें आपको जो है प्रॉपर लिखना है सेम ही लिखे जैसा, है L1 L2 के समांतर है तब L1 L2 बिलोंग करेगा R को, L2 L3 के समांतर है तब L2 L3 को बिलोंग करेगा, L1 L3 के समांतर है। तो हमारे पास में जो है ये मतलब इस प्रकार के स्टेटमेंट यहां पर बन जाएंगे, है ना, ठीक। देखिए इसमें आगे भी और कुछ हमारे पास में देख के रखा है, वो आगे का क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। आगे बोला है एक y बराबर इसे 2x प्लस, एक मिनट है ना, क्या देख के रखा है क्वेश्चन में थोड़ा सा, y हमारे पास में क्वेश्चन देख के रखा है y बराबर इसे 2x प्लस 4, है ना, क्वेश्चन क्या है y बराबर इसे 2x प्लस 4, यहाँ पर 4 देके रखा है, है ना, ये हम लोगों ने जो आंसर लिख दिया उसका, y बराबर इसके 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय, मतलब बहुत सारी रेखाओं का आपको समुच्चय बनाना है, आपके पास में समीकरण देके रखा है y बराबर इसे 2x प्लस 4 ये देके रखा है। इसके लिए क्या बनेगा आपके पास में y बराबर इसे 2x प्लस, है ना, ये अचर राशि जो है इसके मान हम 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग रखते जाएंगे तो हमको जो अलग अलग मान मिलेंगे, तो उससे अलग अलग समांतर रेखाएं भी मिल जाएगी। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा इसका करेक्ट मतलब ये बनेगा, लास्ट में इतना ही करना है आपको बस, बाकी कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक। तो ये था हमारे पास में क्या क्वेश्चन नंबर जो 40 वो हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। इसमें ऑब्जेक्टिव है, चार ऑप्शन देके रखे, करेक्ट वाला बताना, समुच्चय देके रखा है 1 2 3 4 5, है ना, समुच्चय देके रखा, स्वतुल्य की स्थिति के वो सबके डबल डबल 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब हमारे पास में जो है दिया गया संबंध जो है क्या है स्वतुल्य, तो है क्या है स्वतुल्य है, क्यों, क्योंकि देख लिया आप लोगों ने स्वतुल्य की कंडीशन। फिर क्या है अगला क्या होता है, यदि 1 2 है तो इसका अपोजिट 2 1 भी होना चाहिए हमारे पास, मतलब सममित के लिए क्या होगा कि भाई यदि हमारे पास में
एक दो या कोई भी दिया तो उसका अपोजिट भी आना चाहिए, ये होता है उसका मीनिंग। ठीक, और तीसरे में क्या होता है, एक मतलब दिया है तो उसका अगला फिर उसका तीसरा पद, ऐसा चलता है। तो सम्मित के लिए एक दो तो दे के रखा है पर अगला कोई नहीं आया, है ना, एक तीन है, तीन एक नहीं आया, मतलब हमारे पास में जो है स्वतुल्य तो है, सम्मित नहीं है। संक्रामक, संक्रामक में क्या होता है, यदि एक दो बिलोंग करता है तो अगला क्या होना चाहिए, दो से चालू होना वाला, मतलब होने वाला कोई होना चाहिए, एक दो से चालू होने वाला चाहिए, ये मतलब दो दो भी आ जाएगा, दो दो आ जाएगा, है ना, ये दो दो है, तो फिर तीसरा कौन सा होता है, वापस से एक दो देख लेंगे, तो ये एक दो भी है, दो दो भी है, और मतलब एक दो दो दो, वापस से एक दो आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्रॉस में लेते हैं, एक दो अगला दो, मतलब उसके लिए क्या होता है कि बी से चालू होना, मतलब सेकंड पद होता है उससे चालू होने वाला अवयव चाहिए, तो ये दो से चालू होने वाला एक ही है अपने पास, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग उसको मतलब हल कर सकते हैं, जैसे एक तीन है, तीन तीन आ जाएगा, फिर हमारे पास में एक तीन वापस से वही आ जाएगा, तो ये भी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये भी है हमारे पास, अब देख लो कि स्वतुल्य संक्रामक कौन सा है, स्वतुल्य संक्रामक है सम्मित नहीं है, तो हमारे पास में जो है करेक्ट आंसर कौन सा वाला बनेगा, इसका सेकेंड नंबर का आंसर जो है करेक्ट आ जाएगा। ठीक, ये तो ऑब्जेक्टिव था, अब अगला भी हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप में देखा रखा, समुच्चय है ए बराबर इसी बी माइनस दो, बी का मान बढ़ाया छह से, यही दे दिया, बी का मान बढ़ाया छह से, ठीक, मतलब चार तो होगा नहीं भाई, छह से तो बड़ा, या तो सात होगा या तो आठ या नौ दस बारह कुछ भी हो सकता है, अब ये तीनों में से हो सकते हैं मान हमारे पास में, चेक करना पड़ेगा उनको। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मान लो हम लोग ए का मान एक रखते, ए का मान एक रखा, यहाँ पे ए बराबर इसे क्या देकर रखा है, बी माइनस दो, ए का मान एक रखा, तब बी माइनस दो, माइनस का दो इधर आ जाएगा, तो एक धन दो बराबर इसे बी, बी का मान क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा, ये हो गया बी का मान तीन। यदि ए का मान दो रखते हैं बराबर इसे बी माइनस दो, तो दो धन दो बराबर इसे बी, तो बी का मान क्या आ जाएगा, चार आएगा। इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कुछ थोड़े बहुत मान सात आठ तक, क्योंकि यहाँ सात आठ तक हमारे पास देखे रखा है ना, बी का मान आठ तक जाए। यदि हम लोग तीन लेते हैं, एक एक, एक दो तीन, दो तीन चार, तीन के बाद क्या आ जाएगा, पांच आ जाएगा, पांच के बाद आ जाएगा सात, और छह के बाद क्या आ जाएगा, आठ आ जाएगा, है ना, और सात के साथ क्या आ जाएगा, नौ आ जाएगा। सात और नौ वाला तो हमारे पास देखे ही नहीं रखा, इसकी तो जरूरत ही नहीं, हमको यही तक देखना है। ठीक, छह आठ, है ना, एक हमारे पास दो चार था, मतलब एक दो चार ऑप्शन मिल रहा है इसमें से, और एक छह आठ, ये दो ही दिख रहे हैं, बाकी ये दोनों तो ऑप्शन ही नहीं है ना, या तो ये या तो तीसरा, तो दोनों हो सकते थे, पर क्या हुआ कि हमको ये बोला था कि बी का मान बड़ा है, किससे, छह से, तो बी का मान तो चार छोटा है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में इसके लिए, तीसरे नंबर का जो है ना, छह आठ बिलोंग करता है आर को, ये जो है करेक्ट यहां से आंसर बनेगा। ठीक, तो जो एक्सरसाइज थी हमारे पास में 1.1, उसका ये क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन था, हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, है ना, तो आप लोग उनकी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी का जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ उसका बेसिक पढ़ेंगे, और उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद में उसके एक्सरसाइज स्टार्ट करें।